पुराने समय में मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाता था, जिस वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत समय लगता था। वहीं यात्राएं भी बहुत ज़्यादा थका देने वाली होती थी। मगर आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साधन मौजूद हैं, जो कम समय में हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे यातायात के साधनों के बारे में। यातायात का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वहीं साधन वह होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यातायात के साधनों को हम मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटते हैं, भूमि पर चलने वाले साधन, जल में चलने वाले साधन या हवा में चलने वाले साधन। इन तीनों प्रकार के साधनों का अपना अपना महत्व है। यह साधन सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करते हैं। पहले के साधन आज के साधनों की तरह विकसित नहीं थे, मगर आज ऐसा नहीं है। आज हम भूमि, जल व हवा के साधनों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। भूमि पर चलने वाले यातायात के साधन, यह वह साधन होते हैं जो सड़क या भूमि के रास्ते हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे साइकिल, साइकिल का इस्तेमाल हम कम दूरी वाली जगह पर करते हैं, साथ ही यह काफ़ी किफ़ायती भी होती है। वहीं मोटरसाइकिल भी हमें सड़क के रास्ते ही ले जाती है, मगर यह इतनी किफ़ायती नहीं होती। आज के दौर में कार को सड़कों पर देखना आम बात है। आप सभी ने भी कार को सड़क पर चलते हुए जरूर देखा होगा। ट्रेन की पटरियां भी जमीन पर बिछी होती हैं। बस और ट्रेन हमें काफ़ी लंबी दूरी को तय समय में पूरा करवाती हैं, साथ ही यह एक समय से पर बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाने में भी सक्षम होती हैं। जल में चलने वाले यातायात के साधन, यह वह साधन होते हैं जो नदी या समुद्र के रास्ते पानी में चलकर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे मोटर बोट या क्रूज शिप। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल सामान को एक देश से दूसरे देश समुद्री रास्ते से ले जाने के लिए होता है। हवा में चलने वाले यातायात के साधन, यह वह साधन होते हैं जो हवा के रास्ते हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल बहुत ही लंबी दूरी को तय करने के लिए किया जाता है, जैसे एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हम हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, या दुर्गम रास्तों पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल में लाया जाता है।